अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और घंटे के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करने से आप मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बनाना विद डेट मिल्क शेक। तो ये जो मिल्क शेक है ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है। तो फिर चलिए देखते हैं ये मज़ेदार और सेहत से भरपूर मिल्क शेक कैसे बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बनाना मिल्क शेक के लिए यहाँ पर मैंने दो बनाना लिए हैं और मिल्क लिया है मैंने एक गिलास भर के, ये जो दूध है ये ठंडा है, और तीन खजूरें ली हैं मैंने जिसकी मैंने बीज रिमूव कर लिए हैं। और ये जो खजूरें हैं, याद रहे हमें ये नरम वाली खजूरें लेनी है। और ये डेढ़ खाने का चम्मच मैंने फ्रेश क्रीम ली है। और शक्कर लेंगे हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम बनाना को छील लेंगे और फिर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करके इसे ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे। तो ये दोनों बनाना मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसमें ये खजूरें डालेंगे और ये शक्कर डालेंगे। बनाना और खजूर जो कि मीठे होते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें शक्कर ऐड कर लें। अब ये दूध भी हम इसमें डाल देंगे और ये फ्रेश क्रीम भी हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने ब्लेंडिंग जार में डाल दी है, अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो अब हम इसमें ये आइस यानी कि बर्फ़ इसमें हम डाल देंगे क्रश की हुई। तो जितना ठंडा पीना आप पसंद करते हैं उतनी बर्फ़ आप इसमें डाल सकते हैं। बर्फ़ डालने के बाद हम इसे फिर से ब्लेंड करेंगे कुछ देर के लिए। तो माशाल्लाह से देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार ये मिल्क शेक बनकर तैयार हो चुका है। तो जो बच्चे बनाना नहीं खाते या फिर दूध नहीं पीते, तो आप उन्हें इस तरह से ये मिल्क शेक बना कर दें। मुझे यकीन है ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा और वो सारा का सारा इसे पी जाएंगे और इस तरह से उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे वन टाइम सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।